हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का मौसम दिखा देती हूँ, देखिए कितना ज़्यादा कोहरा है। और धूप भी आज बिल्कुल भी नहीं निकली है, कल तो निकल गई थी। और आज है दिसंबर की 30 तारीख और देखिए कितनी ज़्यादा ठंड है। और ठंडी हवाएं ऐसी चल रही हैं, बिल्कुल ऐसे बहुत ही ज़्यादा चीरती हुई लग रही हैं। बिल्कुल शीतलहर चलती है ना वो ठंडी में, तो वो ही है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इतने सारे पौधे कैसे बनाए हैं। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं कटिंग के थ्रू लगते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जिनकी सीडलिंग होती है, जो बीजों से ग्रो हो जाते हैं। तो आज मैं आपको मेरे गार्डन में ऐसे पौधे दिखाऊंगी जिनको मैंने कटिंग के थ्रू ग्रो करा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए सबसे पहला पौधा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सबसे पहला पौधा मेरे सामने अजवाइन का आया है, तो मैंने सोचा इसी को दिखा देती हूँ। एक ये है और एक ये, देखिए वेस्ट में लगा रखा है मैंने, दिखाई दे रहा होगा आपको, किचन के डब्बे हैं। दोनों मैंने कटिंग से लगाए थे। इसका मदर प्लांट है ये, देखिए मदर प्लांट कितनी अच्छी ग्रोथ नहीं है जितनी कि मेरे ये जो कटिंग के थ्रू लगाए थे मैंने इनकी है। बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। विंटर की वजह से मदर प्लांट थोड़ा सा डाउन है, लेकिन जो कटिंग के थ्रू लगाए थे बहुत ही अच्छे और बहुत ही फ्रेश लग रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए टेडेस्कैंथिया है। और जो मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हैं उन्हें पता है कि जब गर्मियों का सीज़न था तो जब तूफ़ान आया था बहुत ही भयानक मेरे यहाँ पर, तो ये पौधा ख़राब हो गया था। इसकी दो ही कटिंग मेरे पास बची थी और दो कटिंग से एक ये पौधा बनाया मैंने, एक ये है और एक यहाँ पर। देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है, नई नई ग्रोथ भी देखिए आ रही है इसमें, दिखाई दे रही है ये देखिए। तो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। और एक और दिखा देती हूँ मैं, तो मैंने इस तरीके से देखिए कटिंग से मैंने इतने सारे पौधे बना लिए हैं। तो आप भी इसी तरह से कटिंग, एक पौधा नर्सरी से लाएं और उसकी कटिंग करके बहुत सारे पौधे बना लें। ये पौधा भी आप देख लीजिए, कोलियस का है, ये है मदर प्लांट, लेकिन इसकी कटिंग मैंने देखिए यहाँ पर लगाई है और बहुत ही अच्छे से चल रही है। दो कटिंग है, ये देखिए एक पीछे दिखाई दे रही है, ये देखिए, तो दो कटिंग है, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही है। और ये है देखिए दूसरी है कोलियस की वैरायटी, ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया है। इसका मदर प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसका मदर प्लांट ये है, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। और ये मदर प्लांट है और ये इस मैंने कटिंग से और भी बहुत सारे पौधे बनाए हुए हैं। और इधर है ये देखिए, ये है डेविल्स बैकबोन, इसकी कटिंग की वीडियो मैंने अपलोड करी थी। तो देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो हो चुकी है, नई नई इसमें लीव्स भी आ रही हैं देखिए। तो ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो करा है। नेक्स्ट है ये देखिए रियो का प्लांट है, ये बोट लिली भी बोलते हैं, और ये मेरे कटिंग के थ्रू लगाया हुआ है। और इसका मैं मदर प्लांट आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये है इसका मदर प्लांट, कितना अच्छा है और कितना घना बुशी हो चुका है इस टाइम पर ये। और ये देखिए ये है चाइनीज़ वॉयलेट का प्लांट, इसमें देखिए कितनी अच्छी सी फ्लावरिंग हुई है। और इसका मैं मदर प्लांट आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये मरने की कगार पर आ गया था समझ लीजिए, तो मैंने इसको अच्छे से इसको देखभाल करी और अब काफ़ी अच्छा है, लेकिन विंटर की वजह से थोड़ा सा डाउन है। ये फ्लावरिंग इसकी देखिए इस तरीके से होती है, ऐसे फ्लावर आते हैं इसके। नेक्स्ट है ये देखिए, ये एग्लिफा का प्लांट है, एक ही तीन पौधे इसके यहाँ पर हैं, एक पीछे रखा हुआ है और एक इसका ये है। ये मैं रोड साइड से कटिंग लेके आई थी, इसका तो मैंने पौधा ख़रीदा ही नहीं है, ये मैं रोड साइड से कटिंग लाई और मैंने लगा दी और ये देखिए ग्रो हो गई है। विंटर की मार पड़ रही है, देखिए नीचे पत्ते गिर रहे हैं, तो बस जैसे ही सीज़न आएगा तो ये अपने आप ग्रो होने लगेगा। नेक्स्ट है ये देखिए, ये है ड्रेसिना की वैरायटी है, ये मैं गई थी सिद्धवली बाबा के दर्शन करने कोटद्वार, वहाँ पर एक स्कूल था तो उन्होंने कटिंग काट काट के इस तरीके से फेंक रखी थी, बहुत सारी कटिंग थी, मैं यहाँ वहाँ से चार लेके आई थी और मेरी चारों की चारों ग्रो हो गई है, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही है ये देखिए। तो ये भी मेरे गार्डन में फ्री का है। और ये देखिए ये है गोरी चोरी का प्लांट, तो इसको भी मैं रोड साइड से लेके आई थी, एक पौधा मैंने परचेज़ करा था और ये वाला जो है ये है फ्री का, जो मैं रोड साइड से लेके आई थी, मैंने लगा दिया लाकर, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गया, इसकी फ्लावरिंग भी हुई थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। नेक्स्ट है ये देखिए, जो यहाँ पर ये लगे हुए हैं छोटे छोटे से पौधे, ये मिर्च के पौधे हैं और ये मेरे फ्री के पौधे हैं। जी हाँ, बिल्कुल फ्री के हैं ये, मैंने किचन से ही इसके सीड्स लिए थे और ग्रो कर दिए थे, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गए हैं। और ये देखिए जो ये मेरे पुराने पौधे, इनमें बहुत ही अच्छे से मिर्च आ रही है, मैंने इसकी जो है हार्वेस्टिंग की वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से इनमें मिर्च आ रही है और फ्लावरिंग भी देखिए काफ़ी हो रखी है।
और इधर देखिए ये है, देखिए पर्सलेन है, येलो वाले हैं, ये सारे के सारे जितने भी हैं मैंने सब कटिंग से लगाए हुए हैं। और इसका मदर प्लांट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये है इसका मदर प्लांट। तो इस तरीके से आप भी अपने छोटे से गार्डन को बड़ा कर सकते हैं कटिंग के थ्रू। कटिंग पौधा लाइए और कटिंग लगाकर इस तरह से ढेरों पौधे बना लीजिए। नेक्स्ट है देखिए पर्पल हार्ट है, ये इसका मदर प्लांट है और इससे मैंने इतने ढेरों कटिंग बना रखी है ना, पौधे लगाए हैं। ये देखिए कटिंग से इधर दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए इधर भी ये बहुत सारे हैं, देखिए कितने सारे हैं, मैं कहाँ तक दिखाऊँ आपको। और इधर देखिए पूरा का पूरा झुंड है, पर्पल हार्ट ही पर्पल हार्ट दिखाई देगी। और इधर भी देखिए हर जगह है। तो एक बार ले आएंगे आप इसको, फिर कटिंग के थ्रू बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। नेक्स्ट है ये है वाटर मिलन बिगोनिया है, देखिए कितनी प्यारी है। और ये मदर प्लांट है, इसका मैंने कटिंग लगाया है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी कटिंग यहाँ पर रख रखी है मैंने, और इतने अच्छे से ग्रो कर रही है ना, बहुत ही अच्छे से, देखिए कहाँ तक आ गई है। तो बहुत ही अच्छे से ये कटिंग के थ्रू लग जाती है। नेक्स्ट है देखिए खूबसूरत सा अल्टरनेंथ्रा पौधा है, बहुत ही प्यारा है। इसकी एक वैरायटी ये भी है देखिए, और इसका मैं दिखा देती हूँ आपको छोटी वैरायटी पहले। ये देखिए छोटी वैरायटी की मैंने कटिंग लगाई दी थी, और कितने अच्छे से देखिए कितनी फैलती जा रही है, बहुत ही अच्छा पौधा है ये। और यहाँ पर रख रखी है मैंने जो पहले दिखाया था अल्टरनेंथ्रा, ये देखिए उसका ही है, ये बाय कटिंग ही है, बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। एक पौधा इसका यहाँ पर है, बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है ये। नेक्स्ट है ये देखिए वॉन्डरिंग ज्यू है, ये देखिए मैंने कटिंग लगा लगा कर देखिए वेस्ट में कटिंग लगा रखी है, और कितने अच्छे से ये ग्रो हो रही है। इसका मदर प्लांट मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए ये इसका मदर प्लांट है। ये मैं मेरे बेटे को मैं हॉस्पिटल लेके गई थी, तो वहाँ पर साइड में पड़ी हुई थी, किसी ने फेंक रखी थी, मैं वहाँ से लेके आई थी। और ये बिल्कुल फ्री का पौधा है, मैंने लगा दी और इसी बास्केट से फिर मैंने कटिंग कर करके ढेरों बना रखे हैं पौधे। नेक्स्ट है ये देखिए जेड प्लांट है, तो ये देखिए कितना बड़ा पौधा है मेरा, अभी विंटर की वजह से थोड़ा सा डाउन है। और मैं ये मदर प्लांट है और उसकी कटिंग मैंने लगाई थी, ये देखिए ये मैंने कटिंग के थ्रू लगाया है, और कितना अच्छा और कितना बड़ा पौधा हो चुका है देखिए। नेक्स्ट है ये देखिए बेबी टियर है, ये मैंने कटिंग लगाई थी, ग्रो हो चुकी है। और इसका मदर प्लांट ये है, इसका मदर प्लांट देखिए, तो इसमें से ही मैंने कटिंग लगाई थी और बहुत अच्छे से वो ग्रो हो चुकी है। और इधर है ये देखिए स्वीट पोटैटो वाइन, ये इधर है, और ये देखिए मैंने कटिंग के थ्रू इसमें लगा रखी है, बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो रही है। और ये देखिए ये है टेंगल हर्ट, देखिए कितनी घनी बुशी हो रखी है, एक पौधा ये है। और इधर दिखा देती हूँ, ये देखिए एक पौधा इसका ये है, और ये मैंने कटिंग से लगाया है। और इसकी एक कटिंग और दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पर इसकी एक और कटिंग है। और इसका मैं मदर प्लांट दिखाऊँ, ये देखिए ये है इसका मदर प्लांट, कितना प्यारा लग रहा है। तो देखिए बहुत ही सुंदर लगता है, ये समर का पौधा है, बहुत प्यारा है। नेक्स्ट है ये देखिए ये है चेन प्लांट, इसको बास्केट प्लांट भी बोलते हैं, ये कटिंग के थ्रू लगा है। और ऊपर भी है ये देखिए, ये भी कटिंग के थ्रू ही लगा हुआ है। और इधर ये देखिए कितने सारे बेबीज इसमें आए हुए हैं, और ये भी कटिंग के थ्रू ही लगा हुआ है। इसका मदर प्लांट यहाँ पर रखा हुआ है, देखिए मदर प्लांट ऊपर से बंदर ने तोड़ दिया था, लेकिन उसके बावजूद देखिए यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट है, और इसमें देखिए बेबीज़ कितने सारे आए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए स्पाइडर प्लांट है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए स्पाइडर प्लांट कितने सारे बना रखे हैं मैंने। और इसको मैं दिखाती हूँ मदर प्लांट इसका, तो ये देखिए ये है इसका मदर प्लांट, कितना प्यारा है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी कटिंग के थ्रू पौधे लगा लगा कर ढेरों पौधे बना सकते हैं, अपने गार्डन को बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी आज की वीडियो थी, आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप गार्डनिंग।